एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल UGC नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो हमने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। उसी के उसमें आज हम साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या प्रिवेंशन, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साइबर क्राइम, फर्स्ट टाइप है साइबर क्राइम का अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस कब होगा? जब कोई पर्सन आपकी परमिशन के बिना आपका लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और उससे कुछ सेंसिटिव या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो उसको हम अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं। तो बेसिकली साइबर क्राइम्स में ये भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी आपकी इन्फॉर्मेशन, आप थर्ड पार्टी को अगर आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाए तो वो कितना हार्मफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो स्टील कर लेगा और उनका अनऑथराइज यूज़ कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें मतलब अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज़ करने चाहिए, जैसे पासवर्ड लगा दिए, फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक, तो वो कुछ होना चाहिए सिक्योरिटी मेजर के लिए, जिससे आप अनऑथराइज एक्सेस से बच सकें। सेकेंड होता है मालवेयर। मालवेयर आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड करा सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। मालवेयर क्या होता है? जैसे आप वायरसेस हो गए, ठीक है, आपके आपके लैपटॉप में वायरस आ गया और आपकी जो आपकी जो फाइल्स हैं वो पूरी की वो डिस्ट्रप्ट कर दी, वो डैमेज कर दी आपकी फाइल्स, ठीक है, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर क्या कि आपकी जो फाइल है उनको एनक्रिप्ट कर दिया और फिर इन एक्सचेंज ऑफ डिक्रिप्शन वो कुछ पैसे डिमांड कर रहा है, तो वो हो गया रैंसमवेयर। तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं मालवेयर, जैसे वायरस, वॉर्म एंड रैंसमवेयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ मालवेयर। और अगर हमें इनसे प्रोटेक्ट करना है, हम इनसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को अपडेटेड रख सकते हैं, यूजुअली अवॉइड करें डाउनलोड करना फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेस। तो ये कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं मालवेयर से बचने के लिए। नेक्स्ट होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? बेसिकली ये इंडिविजुअल को ट्रिक करके, या जैसे आपको कोई मेल ईमेल पे आपकी ईमेल पे कोई लिंक भेज दिया और आपको बोला कि आप इस पर क्लिक करो तो आपको 50,000 आप का प्राइस जीत सकते हैं, या आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो। तो ऐसे करके ये इंडिविजुअल्स को या पर्सन्स को ये ट्रिक करते हैं और इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स को ले लेते हैं। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि जब कोई पर्सन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, कुछ फ्रॉड करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यूज़ करी जा रही हैं या किसी और क्राइम के लिए, तो उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। अगर हम इससे बचें तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, हम अपनी मॉनिटर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, और अगर कोई हमें सस्पिशियस एक्टिविटी मिले तो इमिडिएटली हमें इन्फॉर्म करना चाहिए बैंक्स को या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड कब होगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड कब होगा? जब कोई पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहा है अपने फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए इलीगली, ठीक है, तो उसको हम जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो गए, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गए या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गए या ऐसे फ्रॉड जिससे आपका फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड कि कोई पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहा है अपने एडवांटेजेस के लिए इलीगली, तो उसको हम फाइनेंशियल फ्रॉड बोलते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो फ्रॉड्स हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ज़्यादा, हमारी जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट, अब उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन करें? ओवरऑल हमें सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए कि आपको सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, स्ट्रॉन्ग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करें, अपने सिस्टम को अपडेट रखें, यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो